शहर में गुरुवार का पूरा दिन तपता रहा, लेकिन शाम होते होते जोरदार बारिश शुरू हुई। गुरुवार शाम से आरंभ हुई बेमौसम बारिश नागपुर वासियों पर कहर बनकर टूटी। शहर में एक स्थान पर दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हुई, मृतकों में मां और बेटा शामिल है। तूफानी हवा के चलते नागपुर शहर समेत जिले के ग्रामीण इलाकों में भी पेड़ धराशाही होने की जानकारी है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई। कुछ पेड़ बिजली के तारों पर गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिसके कारण शहर के अनेक बस्तियों में अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश होने की चेतावनी दी थी। तेज हवा के चलते शाम को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। गरज चमक के साथ ही बारिश ने दस्तक दी। शहर के अनेक इलाकों में ओलावृष्टि होने से नागरिकों को नुकसान हुआ है। इस दौरान लक्ष्मीनगर, देवनगर, बजाज नगर, माटे चौक, दीक्षा भूमि, नीरी रोड पर अनेक छोटे बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए। दक्षिण नागपुर के मानेवाड़ा से दिघोरी तक कई मार्गों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। उत्तर नागपुर में इंदौरा चौक और जसवंत मॉल के सामने के कुछ पेड़ 4-5 गाड़ियों पर गिर गए हैं। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।